हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। जो ये मेरे ब्लॉग पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ये उनके लिए है। अगर आप जो भी कोई कॉल लेते हो या तो जो भी ये जो भी वीडियोस एजुकेशन पर्पज के लिए अपलोड होता है, अगर जो भी आप करते हो तो डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है? और जो लेवल बोला गया वो लेवल पे देखिए और टारगेट देखिए। लॉन्गर फ्रेम के लिए आप अपना अपना जो भी आपके फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूशन या तो फाइनेंशियल जो भी कंसल्टेंट है उनसे आप राय लेना ना भूलिए। ये जो भी चीज है मेरे, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और अपना प्रॉफिट अपने पास ही रखना है, मतलब अपना प्रॉफिट आपके हिसाब से बुक करना है आपको, ठीक है? या तो इसमें जब स्टॉप लॉस या तो जो भी होता है वो स्टॉप लॉस आपको आगे आगे ट्रेल करना है। मैं अब तक जितने भी वीडियोस बनाए हूँ उसमें मैं तो कुछ कुछ वीडियोस में बनाया हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप कुछ, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपये में कुछ स्टॉक लेते हो, अगर वो 300 350 में जाता है तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो चीज प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है? प्रॉफिट बुक करना है या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, या तो फॉर एग्जांपल 50 स्टॉक है तो आपको कम से कम 10 या 15 स्टॉक बेचना है। कोशिश ये करना है कि आपके पैसे जितने इन्वेस्टेड है वो पैसे निकाल लीजिए। और रहा सवाल फंडामेंटल्स का, फंडामेंटली मुझे ज्यादा पता नहीं है ना, फंडामेंटल्स में ज्यादा देखता हूँ, ठीक है? मुझे ज्यादा करके टेक्निकल चार्ट पे देखता हूँ। और जो भी है आपको मेरी मोस्ट ऑफ द कॉल्स ये ट्रेडर्स के लिए होते हैं, या तो जो भी चीज है मैं आपको बोलता हूँ इन्वेस्टर के लिए, जो भी है लेवल्स में आना है। आप एक चीज याद रखिए, जो ट्रेडर होता है वो ब्रेकआउट पे ट्रेड करके कम प्रॉफिट में निकल जाता है, और इन्वेस्टर जो होता है वो कम रिस्क पे स्टॉक पे एंट्री करना है। ये नहीं कि स्टॉक हाई है तो हाई पे एंट्री कर लिए, बाद में हम देख लिए कि इसको कब, इसको क्या बोलते हैं, इसको आधे दाम में हो गया या तो जो भी है उसको वापिस से आके ले ले, ऐसा नहीं। राइट टाइम पे एंट्री कीजिए, स्टॉक मार्केट आपके लिए बना हुआ है। अगर आप गलत टाइम पे एंट्री करो तो ये सब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो भी चीज आप करते हो, जो भी चीज आप बाई करते हो तो एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है? तो मैं कुछ चीज बोलना चाहता हूँ, ये मेरे ब्लॉग है, ब्लॉग में ये फॉलो बाय ईमेल करके ऑप्शन है, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दोगे तो आपको जो भी मेरे पोस्ट होते हैं वो अपडेट हो जाता है, आपको ईमेल के थ्रू आ जाएगा, ठीक है? तो अभी मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। आज है 3 मई 2020। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक्सिस बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अभी मैं उस चार्ट की तरफ आपको ले चलता हूं। तो एक्सिस बैंक का डेली चार्ट है, इसमें दो ट्रेड बनता है। फिर से अगर आने वाले दिनों में करेक्शन आया है तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा जिसको इन्वेस्ट करना है। इसके पहले मैंने कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बोला था, कोटक महिंद्रा बैंक जिसने वीडियो नहीं देखा वो देख सकते हो, अच्छा फॉर्मेशन बना हुआ है वीकली में और मंथली में भी। जो इन्वेस्टर है और जो इन्वेस्टर है वो स्टॉक पे आप देख सकते हो, ठीक है? इन्वेस्टर और ट्रेडर का हमेशा अलग होता है। इन्वेस्टर वो होता है कि लेके लंबे वक्त के लिए रहता है, लंबे वक्त मतलब ज्यादा भूलना नहीं है आपको स्टॉक, स्टॉक टाइम टाइम पे देखना, टाइम टाइम पे चीज देखना है। और रहा सवाल फंडामेंटल्स का, फंडामेंटल्स कभी भी चेंज होते हैं, आपने अभी देखा रहेगा कुछ सालों में फंडामेंटल चेंज होने को टाइम नहीं लगता है, विसल ब्लोअर में या तो फंडामेंटली चेंज होने को कुछ टाइम नहीं लगता है। तो आप जब भी काम करते हो तो अपने हिसाब से काम कीजिए। मेरा तो यही है कि मैं टाइम टाइम पे प्रॉफिट बुक करते रहता हूँ, ज्यादा टाइम तक नहीं रखता हूँ स्टॉक्स, डिपेंड अंटिल एंडलेस। मेरे पोर्टफोलियो में बहुत कम स्टॉक्स है जो मैं काफी लंबे समय से होल्ड रखा हूँ। तो अभी चलो एक्सिस बैंक की बात करते हैं। तो जो एक्सिस बैंक है आपके सामने, इसमें कप और हैंडल का फॉर्मेशन बन गया है पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। मैं आपको थोड़ा लार्जर फ्रेम ले चलता हूं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये हो गया उसका कप, इसके पहले भी मैं 2-3 चार्ट में ये फॉर्मेशन बहुत सारे स्टॉक्स में हो रहे हैं, और ये हो गया इसका हैंडल, ठीक है? तो अगर ये इसका ब्रेकआउट इसके बाद आएगा कौन सा, 400, अभी इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस था 444.90 रुपीज, और उसका ब्रेकआउट है 462 के ऊपर, 462। तो इसमें फिर से अगर जो एग्रेसिव ट्रेडर है स्ट्रेट अवे 462 के बाद ले सकते हो, या तो जो सेफ जो ट्रेड करना चाहते हो, थोड़ा सेफ में जाके ट्रेड करना चाहते हो, रीटेस्ट पे ले सकते हो। मैं आपको रीटेस्ट का बताता हूँ, फिर से इसमें एरो ड्रॉ कर रहा हूं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ एरो जा रहा है मतलब ब्रेकआउट, और जो नीचे की तरफ एरो आ रहा है रिटेस्ट। तो उसमें कभी कभी रिटेस्ट होता है तो और स्ट्रांग फॉर्मेशन बन जाता है, कभी कभी रिटेस्ट नहीं होता है, स्ट्रेट अवे एक साइड मूव देता है। तो ये आपका ट्रेड है तो आप अपने हिसाब से लीजिए, ठीक है?
अगर आपको स्टॉपलस रखना है 462 के ऊपर, तो आपको स्टॉपलस यहां का रखना होगा कुछ जो है 405, थोड़ा डीप है, ठीक है 405। हाँ, तो 404 से लेके 405 के बीच में रखना है आपको, और उसका इमीडिएट आपको टारगेट होगा 590 और उसके पास 625। ये आपको डेली ट्रेडर के लिए है, तो जैसे कि आपको मैं स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बता दिया हूँ, ठीक है। और रहा सवाल अभी इन्वेस्टर का, तो ये भी है, अच्छे जगह से बाउंस बैक दिया है ये स्टॉक, अच्छे जगह से बाउंस बैक दिया है, तो आपको मैं अभी वीकली और मंथली में दिखाता हूँ कि कौन से अच्छे लेवल पे इसने बाउंस बैक दिया है। तो आपको मैं डेली या तो वीकली लेके चलता हूँ, एक मिनट रुकिए। हम अभी है वीकली में ही है, तो हम अभी वीकली में, ये एरो जरा आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि डेली में जो ड्रॉ किया था अभी वीकली में ऐसा दिख रहा है। तो ये आपको जो ये पर्पल लाइन दिख रहा है उसमें से वो गैप फिलिंग है, तो ये गैप भी फिल हो जाएगा जो मैंने लेवल बोला हूँ डेली में, अगर वो ब्रेकआउट देके सस्टेन करता है और जो टारगेट मीट होता है, तो ये जो गैप है पर्पल कलर का वो भी फिलअप हो जाएगा गैप, ठीक है। आपको मैं वीकली में थोड़ा लार्जर फ्रेम दिखाता हूँ और दिखाता हूँ इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये जो गैप का। तो हम वीकली में थोड़ा ब्रॉडर फ्रेम में है, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है आपके सामने, तो यहाँ पे कुछ उसने बेस बनाया था ये पर्पल कलर का, और यहाँ पे भी उसने बेस बनाया था, और यहाँ पे एक मेरा यहाँ पे जो था वो एक बेस बनाया था, यहाँ पे जो ये बेस बनाया था, ठीक है। और आने वाले दिनों में वो रेजिस्टेंस है पर्पल लाइन जो गैप फिलिंग है, अगर वो डेली में ट्रेड करता है उसके ऊपर तो वो गैप फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रेडर है, अगर वो ट्रेड करना चाहते हो तो वो जो लेवल्स बताए उस पर ट्रेड कर सकते हो, और जो इन्वेस्टर है जिसको सही टाइम का, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया, तो जो इन्वेस्टर है सही टाइम पे सही स्टॉक में एंट्री करना है विथ मिनिमम रिस्क। अभी मैं इसमें से कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, कुछ स्टॉक से बना चुका हूँ, अब जिसको चाहिए वो देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें से आपको एक और एक चीज दिख रहा होगा, ये जो पैटर्न है देखो, यहाँ पे वीकली में पैटर्न था और उसका ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे ट्रेड हुआ था, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरे पहले के ट्रेड थे, और यहाँ पे इसका देखो, इसका डबल कंफर्मेशन था, ये जो ट्रायंगल ब्रेकआउट है वीकली स्ट्रांग हो गया और उसका एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, ये जो ब्रेकआउट हो गया, तो ये डबल पैटर्न हो गया। ऐसे जो पैटर्न्स बनते हैं जिसमें ज्यादा फॉर्मेशंस होते हैं वो ज्यादा कन्फर्मेशन होते हैं। तो जैसे कि इसके पहले मैं आपको बोला था रीटेस्ट का, तो मैं आपको इसमें क्लासिकल एग्जांपल दिखाता हूँ रीटेस्ट कैसे हुआ। ये वीकली में है तो स्ट्रांग कन्फर्मेशन है, तो आपको मैं इसमें जरा कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए। तो हम वहीं पे है, ट्राइंगल पे ही है, थोड़ा मैंने उसको जूम कर दिया है, तो अब ये देखिए ये ब्रेकआउट दे दिया है, और ये ऊपर के दो लाइन थे क्योंकि उसमें गैप जैसे थे थोड़े कुछ, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया है 1 हफ्ता 2 हफ्ता, और ये जो तीसरा हफ्ता रिटेस्ट का था वो लेवल पे आने के लिए, वो लेवल था 657। तो उसके बाद ये जो तीसरा कैंडल है तीसरे हफ्ते का 657 से लेकर 726 का अप मूव दिया है, ठीक है। उसने नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये चैनल पे लिया है, ये लाइन पे लिया है ट्रेंड लाइन, तो मैं उसका बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो जैसे कि देखो यहाँ पे ट्रायंगल हो गया और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, तो दो पैटर्न बन गए, दो कंफर्मेशन हो गए, और तीसरा कंफर्मेशन आपको आ गया रीटेस्ट। तो इससे अच्छा ट्रेड आपको कोई नहीं मिल सकता है, ठीक है। और एक चीज मैंने काफी पहले मेरे फेसबुक पे लिखा था, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं बनते हो एज एन ट्रेडर या तो एज एन इन्वेस्टर, ट्रेडर डिसिप्लिन मतलब एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया तो पीछे मुड़ के देखना नहीं। दूसरा चीज डिसिप्लिन मतलब मेरा डेफिनेशन है, हर एक का डेफिनेशन अलग होगा। दूसरा चीज ये है कि चेस नहीं करना है स्टॉक, मतलब 600 620 के ऊपर लेना है, वो 650 670 पहुंच गया तो बोले चलो यार मैं 40-50 रुपए ऊपर गया तो ले लू, वो नहीं करना है आपको। वो हो गया चेस, मतलब आप 40-50 रुपए के ऊपर लेते हो ऑलरेडी आपको 6-7% तो बढ़ गया है ट्रेडर के लिए बोल रहा हूं मैं। और डिसिप्लिन इन्वेस्टर के लिए वो है कि राइट टाइम का राइट स्टॉक का वेट कीजिए। तो उसमें से मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ आपको कि ये कौन सा फॉर्मेशन बना है इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए तो ऑलरेडी मैं काफी बात कर चुका हूँ। तो जैसे कि ये ट्राइंगल ब्रेकआउट हो गया, पैटर्न ब्रेकआउट हो गया, डबल कंफर्मेशन हो गया, तीसरा रिटेस्ट हो गया, तभी मैं मंथली लेके चलता हूँ आपको। तो अभी हम मंथली में है, ठीक है।
जैसा कि मैं आपको इन्वेस्टर के लिए बोला था, तो ये जो ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये मंथली में, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, एरो पे ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें काफी सारे लाइन्स हैं जो हर चार्ट में मेरे होते हैं, जो 324 है। अगर आपको एज एन इन्वेस्टर जाना है, तो मैं एक रेंज बता देता हूँ, 270 से लेके 320 के बीच में, 270 सॉरी 270 75 से लेके 320-25 के बीच में रखना है। और आपको स्टॉप लॉस, सॉरी मैं थोड़ा पॉज किया था, मैं आपको लेवल बता देता हूँ, आपको इसमें 245 का स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस पे, और आप 250 से लेके 320 तक, ये रेंज बड़ा है क्योंकि एज एन इन्वेस्टर है तो आप ये नहीं बोल सकते कि कब मैंने बॉटम रीच किया है या तो कब मैंने टॉप रीच किया है। हमेशा याद रखना, टॉप और बॉटम बाद में ही कंफर्मेशन आता है। तो इसके पहले जैसे मैं आपको बता दिया है, ट्रेल करते रहना स्टॉप लॉस को, या तो प्रॉफिट टाइम टू टाइम बुक करना है आपको। तो आप जो फंडामेंटल देखते हो फंडामेंटल देखिए, टेक्निकल देखते हो तो टेक्निकल देखिए। तो जैसे कि ये पर्पल लाइन यहाँ पे था, ये देख रहे आपको पर्पल लाइन यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे सपोर्ट बना था, बाद में ब्रेक डाउन दिया और बाद में ये सपोर्ट लिया। देखो रहे यहाँ पे हम मंथली है तो मंथली काफी स्ट्रांग हो गया। तो दिख रहा है 1 2 3 4 5 5 महीने का फॉर्मेशन बनने के बाद वो रिबाउंस दिया, बाउंस बैक दिया, और फिर से यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया है। तो ये सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के है। तो आप अगर एज एन इन्वेस्टर हो तो आप सपोर्ट पे ले सकते हो विथ मिनिमम रिस्क। और ये देखिए यहाँ पे जो पर्पल गैप फिलिंग था, मंथली भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार अगर वो मंथली दे दिया तो जो मैं आपको बोला हूँ टारगेट, वो टारगेट पे चांसेस है। तो आपको मैं मंथली में थोड़ा लार्जर फ्रेम ले चलता हूँ। तो ये है फाइनली मंथली, आपको ये दिखा टॉप रेजिस्टेंस 1 2 3, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वो राउंड राउंडिंग टॉप हो गया था। मंथली में तीन टॉप थे यहाँ पे, अब मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिए आपके कंप्यूटर के राइट स्क्रीन में, तो तीन टॉप हो गए थे। वो एक कंफर्मेशन होता है कि इसका ट्रेंड चेंज होने वाला है, रिवर्सल, और ये दूसरा ये जो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस की तरफ। तो तीन टॉप बन गए थे मंथली में और ये आपके टॉप रेजिस्टेंस, तो इस पे आपको कॉशियस लेवल पे आना है। उसके बाद में डेली में जाके आप जल्दी से प्रॉफिट बुक कर सकते हो क्योंकि ये मंथली है, मंथली में काफी चेंजेस हो जाता है। देखो यहाँ पे जो तीसरा कैंडल था मंथली का, हाई और लो बना था 819 और इसका लो बना था 657, तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के करेक्शन दे चुका है। ठीक है, तो इन्वेस्टर के लिए क्यों, अभी ये है लेवल, आने वाले दिनों में जो लेवल बोला हूं ये देखिए यहाँ पे, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे से रिवर्स दिया है इसने। तो आपको यहां पे स्टॉप लॉस रखना है, मैं थोड़ा डीप स्टॉप लॉस बताया हूं मंथली में, तो आप उस पर देख लीजिए। तो इसमें मेरे दो ट्रेड्स बनते हैं इन्वेस्टर के लिए, या तो आप इन्वेस्टर के लिए हो गया या तो ट्रेडर के लिए हो गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट में आपको कुछ पैसे रखना है ट्रेडिंग के लिए, कुछ पैसे रखना है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जो भी लेते हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपने तरफ से आप ध्यान देते रहिए। लेके स्टॉक भूलना नहीं है, स्टॉक को टाइम टाइम पे देखते रहना है। और फिर से मैं एक बार बोलना चाहता हूँ कि डिस्क्लेमर जरूर बोल लीजिए। थैंक यू।